अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद अहसन। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखना अपना अव्वलीन फरीजा समझती है। हम चौधरी परवेज इलाही की क्यादत में मुतहिद हैं और कौमी इलेक्शन में काफ लीग के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पंजाब की हुकूमत मजबूत हाथों में है और हम वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने पंजाब में मज़ीद 5 नए ज़िला बनाने की मंजूरी दी, जिससे इन इलाकों की सबका महरूमियों का अजाला हो जाएगा। ये बात उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 142 साबिक वफाकी वज़ीर राना तारिक जावेद और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 197 मियाँ अल्लाह यार गुडगौर ने अपने मुश्तरक बयान में कही। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मरकज़ के करप्ट टोले की बदौलत अब सर्दियों में भी आवाम को बिजली के बाद गैस भी मैसर नहीं होगी। सियासी मौशी अदम इस्तेकाम का खात्मा सिर्फ इलेक्शन के इनेकाद से ही मुमकिन है। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की हुकूमत और उनके इतिहादियों ने तरक्की करते हुए पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। हम इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं और काफ लीग पर चौधरी परवेज इलाही की क्यादत में उनके साथ हैं। इंशाल्लाह पंजाब में 3 सीटों पर काफ लीग और PTI के उम्मीदवार कामयाब होंगे।